हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पश्चिमी राजस्थान की फेस्टिवल्स पे बनाने वाली थाली सिखाने जा रही हूँ। इसमें हम चने की दाल, लापसी और चावल आपको बनाना बताएंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चने की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी दाल अच्छे से धो के 4-5 घंटे पहले भिगो दी थी। दाल देखिए बहुत अच्छे से भीग चुकी है। इसके लिए हम टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले लेंगे। मैंने धनिया पत्ती बहुत अच्छे से काट के धो करके रखा हुआ है। 2 कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली हैं, आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं, और खड़े मसाले। चने की दाल बनाने के लिए हमने कुकर काम में लिया है। हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। देखिए मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, खड़े मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी पिसी हुई हींग डाल दी है मैंने, लाल मिर्ची डाल देंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम चने की दाल को फ्राई कर लेंगे। मैंने चने की दाल डाल दी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, हरा धनिया पाउडर, देखिए फ्रेंड्स मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं, दाल भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी जरूरत के अकॉर्डिंग ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें, और इसमें हमें 1 सीटी लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, दाल बन चुकी है। अब हम लापसी की तैयारी करेंगे। लापसी बनाने के लिए मैंने यहाँ गेहूं का पिसा हुआ दलिया लिया है, इसको हम घी में सेक लेंगे। जब तक हम गेहूं का दलिया सेकते हैं, तब तक हम गुड़ में पानी डाल के भिगो देते हैं। देखिए मैंने 1 कटोरी दलिया लिया है 500 ग्राम, तो उसमें मैंने 500 ग्राम ही गुड़ लिया है, इसको हम पानी डाल के भिगो देंगे। मैंने दलिया सेकने के लिए कढ़ाई ली है, कढ़ाई में दलिया डाल दिया है, घी डाल लेंगे और अच्छे से इसको ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दलिया बहुत अच्छे से सेक चुका है। अब हम पानी डाल देंगे, हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और ढक देंगे। फ्रेंड्स, गुड़ भी भीग चुका है, हम इसको ऐसे हाथ से मसल के और इसका पानी तैयार कर लेंगे लापसी में डालने के लिए। हमने गुड़ का पानी तैयार कर लिया है, अब हम इसको लापसी में डाल देंगे। आप चाहें तो लापसी को कुकर में भी बना सकते हैं। जैसे ही बॉईल होने लगेगा, वैसे ही हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और लापसी को ढक देंगे, और बीच बीच में लापसी को कुछ कुछ मिनटों से हिलाते रहें, नहीं तो लग जाएगी। आइए अब हम चावल भी बना लेते हैं। देखिए मैंने बासमती के लंबे वाले चावल लिए हैं, जो 10 मिनट पहले धो के मैंने भिगो दिए थे, और हमें इनमें कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल सिंपल बनाने हैं, प्लेन वाइट चावल हमें तैयार करने हैं। कुकर में पानी डाल दिया है मैंने, मैंने चावल डाल दिए हैं,
एक सीटी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम लापसी में ड्राई फ्रूट्स और घी डाल देते हैं। हम यहाँ अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने यहाँ पे किशमिश, काजू और इलायची ली है। आप चाहें तो नारियल पाउडर भी डाल सकते हैं या नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर, घी, देखिए फ्रेंड्स लापसी बिल्कुल तैयार है, दाल और चावल भी तैयार हैं। आइए सर्व करते हैं। हमने गर्मा गर्म लापसी, चने की दाल और चावल सर्व कर लिए हैं। ऊपर से इस पे घी डाल देंगे। देखिए मैंने चावल पे घी डाल दिया है, लापसी पे भी घी डाल देंगे हम। अब आप किसी भी ओकेजन पे इसको बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए कि आज की हमारी चने की दाल, चावल और लापसी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।